क्या बुरा हाल हो गया है। हम लोग इस टाइम निकले हुए हैं भंडर से, शंदूर से होते हुए चित्राल की तरफ। ऑफ रोड कर कर के बुरा हाल हो गया है। ये सारा ट्रैक सब ऑफ रोड है, कभी तो इस इलाके में रोड बनेगा। वैसे सुना है इस इलाके के लोग बता रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनेगी, तो तब आना आसान होगा। वैसे ये एरिया बिल्कुल देवसाई जैसा है, पीछे भी सारा ऐसा मैदानी इलाका है, तो देवसाई जैसे इस इलाके में मैदान है। बीच में पानी बह रहा है। माय पार्टनर कम हियर, सर ऑफ रोडिंग का जरा बताएं थोड़ा सा पहले। हर दिन हम ऑफ रोड करते हैं जी, तीन तीन चार चार घंटे, कल भी चार पांच घंटे तो ऑफ रोडिंग की हमने। बड़ा जो करते हैं वो समझते हैं सबसे मुश्किल यही हाँ। था और अगले दिन उससे मुश्किल आ जाता है। टेस्ट है जी, हमारा भी टेस्ट है कितने बाइकर हम लोग। बाहर इधर से निकले, फंडर से निकले, हम लोग फंडर टू चित्राल जा रहे हैं सारी संदूर से होते हुए। तो जी अभी फंडर से संदूर जा रहे हैं और संदूर से आगे पर चित्राल है, सारा ऑफ रोड, सारा ऑफ रोड है पूरा। हमारा लगता है आज का दिन ऑफ रोड ही है। तो सब एरिया के बारे में बताएं जरा यार। अभी अभी एरिया तो ये थोड़ा सा देवसाई से मिलता जुलता है ना यार, थोड़ा मैदानी इलाका इस तरह का है। यहाँ तो बड़े हैं जी, लेकिन देवसाई जैसा मैदान। अच्छा, मैं इसको देवसाई से थोड़ा कंपेयर कर रहा था। देवसाई को हम कहते हैं द लैंड ऑफ जायंट्स। अच्छा जी भाई, यहाँ थोड़ी आकड़ी भाई, वो देखें ऊपर स्नो हो रही है, स्नोफॉल ऊपर टॉप पे बिल्कुल फ्रेश वाइट। चले बॉयज। तेज आ, तेज तेज, दरमियान में से आ, दरमियान में मैं आऊं आऊं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आ जा। आज हम लोग चले हैं फंडर वैली से और हमारा इरादा था मस्तोज पहुंच जाएंगे, लेकिन इतना मुश्किल ट्रैक था और इतनी ज्यादा ऑफ रोडिंग थी कि हम लोग 10 से ऊपर की स्पीड पे बाइक को चला ही नहीं सके। और पहले दूसरे गियर के ऊपर तो हम लोग गए ही नहीं है ना सारे रास्ते में। तो अभी तकरीबन शाम होने वाली है, रास्ते में हम लोग एक खाना बदोश हमारी तरह ही हैं, इनके पास रुके हैं चाय पीने के लिए, ये इनका कैंप है। सब काफ़ी गर्म कैंप है, सुकून दे यार, बाहर बहुत हवा है, बाहर बहुत हवा है। हम चाय पी रहे हैं, हमने कहा बाहर बैठे तो 2 सेकंड में चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी और हम भी ठंडे, भी ठंडे, हम भी ठंडे। आज हमारा टारगेट है लसपोर, लसपोर रुकेंगे हम लोग मस्तोज से आगे, मस्तोज से पहले है यार, हाँ लसपोर 1 घंटे की राइड और है। सूरज ढलने से पहले पहले हम लोगों ने ये एरिया क्लियर करना है, क्योंकि ये सारा ऑफ रोड ट्रैक है और हम लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ता साहब आपका भी यही हाल है? वही हाल है जो तुम्हारा हाल है। अभी बाहर का व्यू थोड़ा सा ले और निकले हम लोग। हमारे जूते बिल्कुल पानी में डूब डूब के, पांव बिल्कुल ठंडे, जूते गीले, जराबें गीली, लेकिन इन नज़ारों के लिए इट्स नॉट अ बिग डील। ता साहब इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। ये छोटी सी इन साहिब की टक शॉप है जी। भाई जान कितने अरसे से यहाँ पे हैं? 2000 से इधर ही हैं। और दूसरा ये कि रोड यानी बहुत ही दुश्वारियाँ होती है, दुश्वारी है, गाड़ी तो इस रोड पे नहीं चल सकती, हमने जो देखा है। आते हैं मजबूरी पे, कोशिश कर रहे हैं लोग जो है ना,
छोटी गाड़ियां भी आती मगर बड़ी कोशिश है, बड़ी एहतियात से। आगे बीच में एक नाला है जिसको हमने बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया, थोड़ा सा ही पीछे है। तो, उधर से गाड़ी नहीं, उधर शायद आप क्रॉस करके आए, वो स्लाइडिंग हुई थी। अच्छा, वो स्लाइडिंग की वजह से ऐसा है, जो ना ये उसमें हमारी पूरी बाइक डूब गई है, एक दफा टायर पूरे डूबे हैं। वो आपको पता है साइड में जो ना स्लाइडिंग होने की काफी यानी खाई भी हुई है, खाई है बिल्कुल, साथ खाई है सर, उधर बहुत रिस्क था, ये काफी मुश्किल हो गई। अभी इंशाल्लाह ये रोड बन रही है, अगर इस साल भी नहीं होगा नेक्स्ट साल इंशाल्लाह। दो साल लगेंगे इसमें, बहुत रफ एंड टफ है हमारे लिए वक्त, जब तक ये रोड नहीं बनता। फाइनली हम लोग लसपुर पहुंचने वाले हैं, और ये जो नीचे खूबसूरत वादी आपको नजर आ रही है, ये लसपुर गांव है। शंदूर लेक और शंदूर पोलो ग्राउंड क्रॉस करते ही लसपुर की हदूद शुरू हो जाती है। आप यूं समझ लें कि चित्राल का आखिरी गांव लसपुर है।